ये जो महिला ये जो होमगार्ड से हैं, कह रही हमें बिगर नोटिस के निकाल दिया गया, आप युवा हैं, आपने कितने दिन होमगार्ड के अंदर नौकरी की? हम तो मैं अभी 5 साल होमगार्ड्स का, इन लोगों को 5 साल में निकाल दिया जा रहा है और एक पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है इन लोगों को। तो एक किसी को आप पुलिस का ट्रेनिंग दे करके 5 साल में अगर निकाल देंगे और फिर से लोग नई जो भर्ती कर रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार का बढ़ावा हो रहा है। और एक बेरोजगार व्यक्ति, बेरोजगार होमगार्ड जो बैठे हुए हैं, जो कि नवयुवक लोग हैं, नए नए लोग हैं, इन लोगों को 5 साल नौकरी करा करके निकाल दिया जाता है और इनको एक पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार उपाध्याय, नेशनल होमगार्ड एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। राकेश जी, आपको जैसे आपने बताया कि नए नए को भर्ती कर लिया जाता है, भ्रष्टाचार होता है, क्या आप नहीं चाहते कि जो और युवा लड़के हैं वो उनकी भर्ती हैं और वो काम करें? जो पहले से ऑलरेडी है तो फिर नहीं भर्ती कर सकता क्या है? मान लेते हैं कि 5 साल आप नौकरी करा रहे हैं, फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसका बाल बच्चा परिवार सब भूखे मर रहा है। और झूठे सरकार, जो सरकार बार बार आश्वासन देती है कि हम आप लोगों को वापसी ले लेंगे, इसके लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं चलता है, केवल झूठा आश्वासन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें? इनका जो परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेश शर्मा है, मैं बलबीर नगर सागरा से आया हूँ। दिल्ली होमगार्ड में मैंने 7 वर्ष सेवा दी है। आपका अभी सवाल था कि क्या नए व्यक्तियों को अवसर नहीं मिलना चाहिए। मेरा एक ही जवाब है, जब 7 साल बाद हमें निकाल दिया गया तो क्या नए युवा वर्ग को फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? नहीं तो युवा को खुद सोचना पड़ेगा ना कि भाई अगर इनको निकाल दिया है तो हम क्यों भर्ती हो रहे हैं। हाँ, तो ये उनको भी सोचना होगा, इस डिपार्टमेंट और इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी धिक्कारना होगा, लानत ऐसी नीतियों पे जो युवाओं के साथ धोखा कर रही है और इन लोगों को गुमराह करके दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि आप लोगों की सुरक्षा माननीय एमएचए ने 73,000 होमगार्डों की वैकेंसी दिल्ली प्रदेश में जो है लागू की है, लेकिन यहाँ के डीजी कहते हैं कि मुझे केवल 10,285 की भर्ती के आदेश हैं। तो 63,000 होमगार्डों की कमी होते हुए भी दिल्ली की सुरक्षा इन्होंने दांव पे लगा रखी है। जो होमगार्ड बाहर है वो अपनी वापसी की तैयारी में बैठा है, लेकिन ये नई भर्ती नई प्रक्रिया चलाने जा रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे, नई भर्ती नहीं होने देंगे। सर, आपका नाम? आरपी पाल। पाल जी, ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आपकी जो मुख्य मांगे, वो मुख्य मांगे क्या हैं? निकाले गए होमगार्ड की वापसी और निकाले गए होमगार्ड की जो परिवार भुखमरी के कगार पे हैं, उनको उनका अधिकार रोजगार मिले, ताकि वो नक्सलवाद और आतंकवाद के संपर्क में ना जाएं और अपना सभ्य जीवन बिताएं, समाज की और देश की सेवा कर सकें। निकाले गए होमगार्ड को उनका अधिकार मिले, इसी के लिए हम लोग अपना मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से गुहार लगा चुके हैं। वो बार बार हमें आश्वासन देते हैं कि आपकी वापसी का प्रपोजल हमने बनाया है और LG साहब से मीटिंग हो चुकी है और अभी तक हमारी वापसी का कोई भी ऑर्डर कॉपी हमें नहीं मिला है। जब तक हमारी ऑर्डर कॉपी नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं रहेंगे और हमारी वापसी और अनिश्चितकालीन हमारा ये धरना चलेगा। अगर सरकार ने और महकमे ने हमारी वापसी का प्रपोजल बनाया है तो उसको, जो ऑर्डर कॉपी है उसे हमें दें और हमारी वापसी करें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारी वापसी हो और हम देश की सेवा करते हुए एक सभ्य जीवन बिता सकें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए आए हैं। पाल जी, वो अभी आप होमगार्ड की बात कर रहे हैं तो, और एक सिविल डिफेंस का भी इन्होंने भर्ती किया और सिविल डिफेंस को भी जो होमगार्ड काम करते थे उनसे वो सिविल डिफेंस वालों से काम ले रहे हैं। वो तो इसलिए करवा रहे हैं कि पीछे जो है इनको ऑप्शन नहीं मिला भर्ती का, क्योंकि पीछे भी हमारे पुराने साथियों ने जो 15-15 साल केस लड़े, सुप्रीम कोर्ट का भी इनको मतलब जो है गाइडलाइन मिला हुआ है कि पुराने वालों को पहले आप लें, जिन्होंने राइफल ट्रेनिंग किया हुआ है इनको पहले आप लें, उसके बाद नई भर्ती करें। 73,000 की होमगार्ड की दिल्ली में स्ट्रेंथ होनी चाहिए और अभी फ़िलहाल में 10,285 ये हमारे DG साहब और महकमे की तरफ से आ रहा है, अभी भी 4,500 ही होमगार्ड सेवा दे रहे हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए होमगार्ड की सिविल डिफेंस की भर्ती कर रहे हैं, तब भी पूरी नहीं हो पा रही है और निकाले गए होमगार्ड बार बार गुहार लगा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, फुटबॉल बना दिया इन्होंने तो, कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ, और अभी तक इनकी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण हम लोग निराश होकर बार बार धरना करना
हमें कोई वो नहीं है, लेकिन अपने अधिकार और रोजगार के लिए हम अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारा अधिकार और हमारा रोजगार हमारी वापसी हो, जब तक हम यहीं पे रहेंगे। हमारे बीच में एक साथी और हैं जो कि जब जिसकी रोजी रोटी जाती है वो क्या से क्या नहीं करते हैं, और इनको इस्तेमाल किया जाता है 3 साल 5 साल इस्तेमाल करने के बाद में इनको छोड़ दिया जाता है, ना दूसरे काम के रहते हैं, ना फैक्ट्री या अन्य किसी काम को कर सकते हैं। ऐसे एक साथी और हैं होमगार्ड के। सर आपका नाम? प्रदीप कुमार। सर प्रदीप कुमार जी आप कहाँ से आए हैं? सर मैं मोती नगर बसी दारापुर से आया हूँ। तो सर ये आप जहाँ नौकरी करते थे वो आप किस जगह नौकरी करते थे? सर मैं जनकपुरी करता था पहले। जी हाँ जनकपुरी थाने में करता था। तो सर जब आपको निकाला गया तो क्या आपको नोटिस दिया गया था या क्या दिया गया था? सर हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया गया, फोन पे बोल दिया कल से ड्यूटी मत आना। फोन पे किसने बोला?